जालौर में जिला कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी महासचिव उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी एवं उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के निर्देश पर आज जालौर प्रभारी जेपी पाल की अध्यक्षता में जिला अध्यक्ष जालौर प्रभारी राजीव नारायण मिश्रा के नेतृत्व में बता दे महंगाई बेरोजगारी महिला उत्पीड़न और किसानों के काले कानून के खिलाफ अगस्त क्रांति मोर्चा शहीद भवन कांग्रेस दफ्तर से निकालते हुए घंटाघर तक शहीद भगत सिंह चौराहे होते हुए अम्बेडकर चौराहे तक गए जहां उन्होंने भाजपा गद्दी छोड़े के नारे लगाए गए। आपको बता दें कि बीजेपी गद्दी छोड़ो का नारा लगा कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के खिलाफ एक जुलूस निकाल कर विरोध प्रदर्शन किया। प्राइम वी के न्यूज चैनल के लिए खास रिपोर्ट। पार्टी अपना संगठन मजबूत से गांव-गांव स्तर पर बना रही है। गांव अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक बनाने की तैयारी पूरी जोरों पर है। हम लोग उसी में काम कर रहे हैं। कांग्रेस को आगे बढ़ाने का निकाली गई है, इसमें महिलाएं और कुछ पुरुष भी अध्यक्ष होकर प्रदर्शन किया, तो क्या उद्देश्य था, किस उद्देश्य से रैली निकाली गई? युवा जो अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे थे उसका सीधा सा कारण ये है कि उनको रोजगार देने का वादा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार किसी को दिया नहीं। बेरोजगारों ने आज ये अर्धनग्न होकर पूरी तरीके से प्रदर्शन किया है। उसी तरीके से महिलाओं ने भी, क्योंकि घरेलू चीज़ें इतनी महंगी हो चुकी हैं, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे वो तेल हो या क्या नाम डीजल और पेट्रोल हो, इतना महंगा हो गया, तो महिलाओं ने भी रोटी और बेलन चूल्हा लेकर बेलन और दुनिया भर की चीज़ें लेकर चिमटा लेके प्रदर्शन किया है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना चाहेंगे कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर बुरी तरीके से सरकार फेल हो चुकी है, उन्होंने कोई भी अगर आवाज़ प्रजातंत्र की आवाज़ के तरीके से आवाज़ उठाना चाहता है तो आवाज़ उसको दाब दी जाती है, चाहे वो युवाओं की हो, चाहे वो छात्रों की हो, चाहे वो महिलाओं की हो, पूरी तरीके से उत्पीड़न हो रहा है। इसके विरोध में भी आज ये मार्च निकाला गया है। इस तरीके का मार्च हमेशा कांग्रेस निकालती रहेगी, प्रदर्शन करती रहेगी और इस तरीके का विरोध सड़क से लेकर संसद तक बराबर चलता रहेगा। कांग्रेस बराबर विरोध करेगी। उद्देश्य निकाली गई है आज 9 अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर हम लोगों ने कांग्रेस दफ्तर से अम्बेडकर चौराहे तक बेरोजगारी महंगाई और बलात्कार के मुद्दे पे किसान जो इस दिन काफ़ी समय से धरने पे बैठा हुआ है, इन मुद्दों पे आज पैदल यात्रा मार्च निकाला गया। काफ़ी संख्या में महिलाओं के साथ अम्बेडकर चौराहे तक हम लोगों ने 3 किलोमीटर की यात्रा बेरोजगार और सभी मुद्दों को उठाकर अपनी आवाज़ बुलंद की गई। सर, इसमें कुछ महिलाएं आज थाली रोटी भी लिए थी, उससे क्या? ये जो घर में खाने की चीज़ें जो महंगी हुई हैं, आटा है, राशन है, गैस सिलेंडर है, पेट्रोल है और तेल, कड़वा तेल है, ये खाद्य सामग्री, उसके विरोध में सारी महिलाओं ने हाथों में रोटियां लेके और गैस सिलेंडर लेके और बेलन लेके अपनी यात्रा में डाली।